अस्सलाम वालेकुम। तो सुबह हो चुकी है, जैसे कि आपको पता है कि आज हमने शिफ्टिंग करनी है, सब कुछ पैक हो चुका है। तो नाश्ता हमने किया तरबूज का, ऑलमोस्ट सब कुछ रेडी है, सब कुछ पैक है, बस अलविदा कहना है और ऊबर्स वाले आ चुके हैं, वो सामान ले जाएंगे। हम वेट कर रहे हैं और हम थोड़ा लेट गए थे बिकॉज सब कुछ सेट होना था। तकरीबन 8 बज गए थे रात। इस घर को अल्लाह हाफिज़ किया और अपने नए घर में कदम रखा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला खुशियों से रहना नसीब फरमाए, आमीन। बहुत थक चुके हैं, सो आज रात के लिए गुड नाइट। सुबह का सूरज हमारे लिए क्या लेकर आता है। तो सुबह हमने तो नाश्ता बाहर करना था बिकॉज अभी तक कुछ रेडी नहीं था। तो ताहा को मैंने एग खिला दिया क्योंकि वो बच्चा है, वो इतना सब्र नहीं कर सकेगा। तो हम लोग आए हैं स्टूडेंट बिरयानी। चले, लंच करने के बाद हम आए हैं फालूदा खाने के लिए। उसके बाद कुछ ग्रॉसरी सब्ज़ी वगैरह ले ली क्योंकि अब ऐसा ऐसा खाना बनाना स्टार्ट करना है। तो मैं ताहा को लेके गाड़ी में बैठी रही और वो एज यूजुअल स्टीयरिंग कंट्रोल ले लिया, सारी सेटिंग अपने पापा की ख़राब कर देता और वो फिर आके छू जा करते हैं। बच्चों ने जो करना है वो करना है। रात का खाना बनाते हैं। फर्स्ट टाइम मैं इलेक्ट्रिक चूल्हे पे बना रही हूँ, पहले कभी भी एक्सपीरियंस नहीं था। तो मटन बनाने लगी हूँ। खाना बनने के बाद मैं ताहा को थोड़ी देर प्ले एरिया में लेके आई। जब मैं रोटी बनाने लगी तो रोटी तो बनी बिल्कुल ख़राब क्योंकि इलेक्ट्रिक था, नो एक्सपीरियंस। हम जाके कुछ नया एक्सपीरियंस ट्राई करते हैं, पैन या तवा लेते हैं जो कि इलेक्ट्रिक पे सही रहे, बिकॉज अभी तक हमारा खाना बन जाता है लेकिन रोटी का एक्सपीरियंस सही नहीं है इलेक्ट्रिक पे। अब बहुत सुना था कि ये अच्छा नहीं रहता, वो आज एक्सपीरियंस भी कर लिया। सो लेट्स सी क्या ये हमारा चलता है या नहीं। चलते हैं घर, खाना खाते हैं एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।